पहला श्लोक भागवत जी के महात्म का मेरे संग बोलिए। सभी लोग गाइए मेरे संग। बोले सच्चिदानंद रूपाय, बोलो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हे तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। सत्चित आनंद बराबर सच्चिदानंद। सबसे पहले श्लोक में ये बताया गया है कि भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान को लेकर कोई कभी कंफ्यूज ना हो, इसलिए पहले ही भगवान के बारे में बता दिया गया कि आप जिनकी कथा सुनना चाहते हैं वो भगवान कैसे हैं। आप किनकी कथा सुनना चाह रहे हैं आज से? भगवान की। तो जिनकी कथा सुन रहे हैं उनका स्वरूप कैसा है, स्वभाव कैसा है, पहले परिचय उनके स्वरूप और स्वभाव से हो जाए। तो आइए परिचय आपका हम कराते हैं। आप किसी के घर जाते हैं तो वो लोग आप अपने मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं ना, ये हमारी मौसी हैं, ये हमारे बुआ जी हैं, ये हमारे मामा जी हैं, ये हमारे, ये परिचय है। जब आपका परिचय होता है तब आप आगे बातें करते हैं, ये फलाने हैं, ये फला है, ये हमारी माँ है, ये हमारी माँ की माँ है, हमारी नानी है, ये हमारी दादी है, सब परिचय है। तो हम आपका परिचय पहले करा दें कि भगवान कैसे हैं, उनका कौन कौन है। अच्छा बताओ आपके घर में आपका परिवार कितना बड़ा है, कितने लोगों का परिवार है आपका? मैया ओ मेरी माँ, कितने लोगों का परिवार है आपका? 5 लोगों का। आपका कितना बड़ा परिवार है, कितने लोगों का? 10 लोगों का, 20 लोगों का, 6 लोगों का, किसी का 10 लोगों का, किसी का 20 लोगों का। तो जैसे आपसे हमने पूछा कि आपका परिवार कितना बड़ा है, उसी तरह भगवान से पूछो कि हे प्रभु आपका परिवार कितना बड़ा है। तो भगवान बोले कि संसार में तुम्हें जो दिखाई पड़ रहा है चींटी से लेकर हाथी तक, वो सब हमारा ही परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम, हम जीव मात्र को अपना परिवार मानते हैं। तो हम सब किसके परिवार के हिस्सा हैं? भगवान के। तो जिनका परिवार हम हैं उनका स्वभाव और स्वरूप कैसा है उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कैसे हैं? सच्चिदानंद, सत चित आनंद बराबर सच्चिदानंद। सत चित आनंद, पहला ये जाने कि सत्य क्या है, फिर जाने चित क्या है, फिर जाने आनंद क्या है। तो बताओ सत्य क्या है? मैया ओ मेरी माँ, सत्य क्या है बताओ? आप बताओ सत्य क्या है? पीछे वाली मैया मेरी माँ बताओ, मेरी माँ सत्य क्या है? हाँ, सत्य कौन? सत्य है ब्रह्म सत्यम, ईश्वर सत्य, भगवान को ही सत्य कहा गया है। ये संसार झूठा है। अच्छा आपको क्या लगता है, ये संसार सच्चा है कि झूठा है? क्या झूठा है? सही, ऐसी बाहर से कह रहे हैं कि भीतर से? पीछे वाली मैया, संसार सच्चा है कि झूठा है? आपने अनुभव किया संसार झूठा है? क्यों संसार इसलिए झूठा है? क्योंकि आपने देखा होगा लोग बदल जाते हैं, लोग, अरे पति बदल जाता है, पत्नी बदल जाती है, औरों की तो ठीक है, बेटा बदल जाता है, बदल जाए। जो बदल जाए वो सच्चा कैसे हो सकता है? जो बदल जाए वो तो झूठा ही होगा ना, क्योंकि झूठ बदलता है, सच कभी नहीं बदलता। यदि संसार सच्चा होता तो संसार कभी बदलता नहीं, पर संसार बदल रहा है तो बदलते हुए को झूठा ही कहा जाता है। यहां तक कि हम भी, आप भी बदल रहे हैं। जब पैदा हुए थे तो जरा से थे, अब जवानी में आप ऐसे हैं, बुढ़ापे में आप ऐसे हैं, मतलब आपका शरीर भी बदल रहा है, हाँ या ना? मौसम भी बदल रहा है,
ये हैदराबाद भी बदल रहा है। आज से 50 साल पहले हैदराबाद कुछ और था, आज कुछ और है, आज के 50 साल बाद कुछ और होगा। जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल। मतलब ये सृष्टि, ये संसार, गांव, शहर सब बदल रहे हैं। बोलो हाँ। आपका फेस भी बदल रहा है, आपके बचपन की फोटो और आज की फोटो में बड़ा अंतर है। आपकी शक्ति भी बदल गई, पहले आप ज्यादा दौड़ती थी, बुढ़ापा आया कम दौड़ने लग गई। पहले ज्यादा खाती थी, बुढ़ापा आया कम खाने लग गई। पहले ज्यादा पचता था, अब कम पचता है। मीन्स परिवर्तनशील है, और जो बदल रहा हो वो सच नहीं हो सकता। आपने संसार को सच माना, परिवार को सच माना, बेटा बेटी पति पत्नी को सच माना, ये गलती होगी हम सबसे। हमने झूठ को झूठ नहीं माना, हमने झूठ को सच मान लिया। तो सच्चा कौन है फिर बता? संसार कैसा है? जोर से, संसार झूठा है, सच्चा कौन? सच्चे भगवान है। क्यों? क्योंकि भगवान कभी नहीं बदलते। भगवान सदा सुनते हैं, सबकी सुनते हैं। भगवान सुदामा की भी सुने, द्रौपदी की भी सुने। द्रौपदी की जब साड़ी खींची गई तो द्रौपदी के अपने पति बगल में बैठे थे, पांचों। बुलाया, मेरी साड़ी उतर रही है, बचाओ अर्जुन, बचाओ भीम, नकुल, सहदेव, धर्मराज, युधिष्ठिर, आप बचाओ। लेकिन नहीं बचाए, क्योंकि ये लोग झूठे हैं। ये संसारी लोग, हर रिश्ता झूठा होता है, लेकिन हम झूठे रिश्ते को सच मान करके चलते हैं।